हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं मासिक टेस्ट माह जुलाई सत्र 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कक्षा 12वीं विषय बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन का मोस्ट आईएमपी प्रश्न जो त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और मासिक टेस्ट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक पहला, पहला चैप्टर से लेकर तीसरे अध्याय तक के मासिक टेस्ट पर पूछा जाएगा। अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रबंध की प्रमुख सीमाएं लिखिए। भारत में प्रबंध का महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रशासन एवं प्रबंध में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा कहा गया है, स्पष्ट करना है। प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है, इसको स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के तत्व कौन कौन से है, इसके बारे में लिखना है। ये पहले रिड्यूस किया गया है, लेकिन इस साल पूरे 100% सिलेबस है, तो इसको आपको पढ़ना है। आठवां प्रश्न है, समन्वय की किन्हीं तीन विशेषताओं को संक्षिप्त में वर्णन करें। समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है, हेनरी फियोल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध के दोष लिखिए। फियोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के नाम लिखना है। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की 4 बिंदुओं को समझाइए। फियोल तथा टेलर के विचारों के अंतर के 4 बिंदुओं को उल्लेख कीजिए। टेलर और फियोल के सिद्धांत एक दूसरे के संपूरक है, इसको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों की परिभाषा अच्छे से याद कर लेंगे। भारत में सरकारी नीति में परिवर्तन के व्यवसाय एवं उद्योग पर किन्हीं 5 प्रभावों को समझाइए। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं बताना है। सामाजिक वातावरण किस प्रकार व्यवसाय को प्रभावित करता है। जून सन 1991 के आर्थिक संकट से मुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए थे, उसके बारे में बताना है। राजनीतिक वातावरण सदैव व्यवसाय को प्रभावित करता है, स्पष्ट करना है। आर्थिक वातावरण की विशेषताएं लिखिए। नई व्यापार नीति के मुख्य लक्षण बताइए। आर्थिक सुधारों के तहत सरकार द्वारा किए गए नीतिगत परिवर्तनों को बताइए। तो ये आपके 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मासिक टेस्ट से लेकर त्रैमासिक परीक्षा जो होने वाला है 3 महीने के बाद, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ब्लू प्रिंट अभी से इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएगा। तो इसको आपको सबको अच्छे से याद कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन पर आपको डिफ़िकल्टीज होता है तो कमेंट पर मैसेज करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच।